देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। धोनी के कंट्रोवर्सी से सैफ अली खान को कैसे हुआ करोड़ों का प्रॉफिट। सलमान खान किस बात से है अपसेट। अमिताभ बच्चन ने अपनी हेल्थ को लेकर दिया कौन सा क्लैरिफिकेशन। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत सैफ अली खान से। क्रिकेटर धोनी की रीसेंट कंट्रोवर्सीज का सैफ अली खान को हुआ तगड़ा प्रॉफिट। कितने का था ये प्रॉफिट और कैसे हुआ सैफ अली खान को ये फायदा, वॉच आउट इन आवर एक्सक्लूसिव टॉप स्टोरी। सिनेमा का जादू और क्रिकेट का नशा, बस ये दोनों चीजें रूल करती हैं इस देश को। ये पुरानी कहावत तो सबको पता होगी, अगर नहीं पता तो ये ताजा ताजा अपडेट कि रीसेंट स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज के बाद अब एड वर्ल्ड में क्रिकेटर्स के धमाल पर भारी पड़ने लग गया है फिल्म स्टार्स का कमाल। ये अपडेट आया है इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी के सैफ अली खान से रिप्लेस होने की खबर से। Zoom को सोर्सेस से पता चला है कि एक बड़े क्लोथिंग ब्रांड ने मैच फिक्सिंग की रीसेंट कंट्रोवर्सीज के बाद बदल दिया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। धोनी इस ब्रांड को पहले से एंडोर्स कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली जब MS धोनी का एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था, तभी न्यूज में छा गई स्पॉट फिक्सिंग की खबरें। हालांकि रीसेंट फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज में धोनी और उनकी वाइफ साक्षी का सिर्फ जिक्र आया था, पर बाद में बेटिंग के तार फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ते दिखे। बिंदु दारा सिंह का अरेस्ट किया जाना, क्रिकेट पर बेटिंग के मामले में शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और राजस्थान की टीम के को ओनर रहे राज कुंद्रा का नाम सामने आना, फिक्सिंग का मुद्दा इस कदर गर्म था कि बड़े बड़े स्टार्स ने इस इश्यू से दूरी ही बनाकर रखी। IPL के बारे में और मेरे मित्र के बारे में बाद में बात करेंगे। इसीलिए लगता है कि एक के बाद एक आ रहे स्पॉट फिक्सिंग के अपडेट्स ने उस क्लोथिंग ब्रांड को अपना ब्रांड एम्बेसडर बदलने पर मजबूर कर दिया, और उन्हें लगता है कि किसी क्रिकेटर की जगह एक बॉलीवुड स्टार को अपना फेस बनाना ज्यादा सेफ बेट होगी। और हुआ भी वही। रिपोर्टेडली जहां धोनी इस एंडोर्समेंट डील के लिए 10 करोड़ चार्ज कर रहे थे, वहीं सुनने में आया है कि सैफ ने धोनी से करीब करीब आधे अमाउंट में कंपनी के दो अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट करने की जिम्मेदारी संभाल ली है। ऐसे आजकल अपने एक दूसरे एड कैंपेन में सैफ बड़े बड़े क्रिकेटर्स को 5 रुपए में खरीदते नजर आ रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। स्पॉट फिक्सिंग के दाग जब तक क्रिकेट के दामन पर ताजा हैं, तब तक लगता है कि एड वर्ल्ड की चॉइस में क्रिकेटर्स की जगह फिल्म स्टार्स को ही एडवांटेज मिलने वाला है। और लगता है एड वर्ल्ड में फिल्म स्टार्स की इस नई पारी की शुरुआत की है सैफ अली खान ने धोनी को क्लोथिंग ब्रांड के एक एंडोर्समेंट डील में रिप्लेस करके। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सलमान खान अपसेट हैं। सलमान खान नाराज है। सलमान खान को लगता है कि उन्हें बिना बात की कंट्रोवर्सी में फंसाया जा रहा है। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। सलमान खान अपसेट हैं। सलमान खान नाराज हैं। सलमान की माने तो उन्हें बिना वजह कंट्रोवर्सी में फंसाया गया है। अब खबर डिटेल में। दरअसल सूरज और जिया खान के केस में जिया की मदर ने मुंबई के एक बड़े टैब्लॉइड को दिए इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान ने सूरज को जिया से दूर हो जाने को कहा था। ये खबर पूरे बॉलीवुड और मीडिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन अब इस खबर पर अपनी क्लैरिफिकेशन देने खुद आ गए हैं सलमान खान। मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा है कि आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ सूरज एंड जिया रिलेशनशिप। आई गॉट टू नो ऑफ इट थ्रू अ न्यूज़ मैगजीन। बता दे कि सलमान खान सूरज पंचोली को लॉन्च करने वाले थे। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, सूरज और सलमान के बीच अच्छे रिश्ते भी हैं। लेकिन जिस तरह अब सलमान का क्लैरिफिकेशन आया है, उससे तो ये साफ हो गया है कि जिया और सूरज के रिलेशनशिप से सलमान का कोई लेना देना नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। मीडिया में खबरें थी कि अमिताभ बच्चन इज नॉट वेल, लेकिन इन खबरों पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर खुद आ गए हैं अमिताभ बच्चन। हैव अ लुक।
अमिताभ बच्चन रिसेंटली पहुंचे एक क्लिनिक के लॉन्च पर और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हेल्थ से रिलेटेड रूमर्स को क्लैरिफाई करते हुए कुछ ये कहा। न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, अभी एनी इंप्रूवमेंट्स और इज इट ओके नाउ? आज ये फ्रंट पेज पे आर्टिकल था, रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं देखा। इसका मतलब ये कि बिग बी एकदम फिट एंड फाइन है और उनकी हेल्थ को कुछ नहीं हुआ है। और जब हमने उनसे उनकी फिटनेस का राज जानना चाहा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लोग सब प्यार देते रहते हैं, आप लोग हमारा ध्यान करते हैं, बस हो जाता है कि Well, we hope Big B आपको मीडिया और आपके फैंस का प्यार हमेशा यूं ही मिलता रहे ताकि आप हमेशा फिट रहें और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। सलमान खान के डायरेक्टर अभिनव कश्यप अब करेंगे शाहरुख खान के साथ फिल्म। क्या है ये फिल्म और क्या शाहरुख खान इस फिल्म के लिए रेडी हैं? We have all the details. 2011 में आई थी ये खबर कि शाहरुख खान दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के साथ करना चाहते हैं फिल्म, और इस बात को शाहरुख ने कंफर्म भी किया था ये कहकर, अभिनव had met me soon after दबंग was released, but I didn't know what is happening thereafter. He wanted to make a film with me, but he also has the subject of a rom-com ready for a younger actor. Aur is news ke baad, even Abhinav Kashyap confirmed to us that he won't mind casting King Khan in his next. Shahrukh Khan bahut bade star hain, main unki bahut izzat karta hu. Unhone meri pehli film bahut pasand ki aur mujhe bulakar kafi mujhe uski achhaiyan batayi. Mujhe bahut khushi hui is baat ki. Aur agar hum dono kisi kaam se jud paaye तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इस न्यूज का कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन अब आई है एक ताजी खबर, सुनिए जरा। जूम के क्लोज सोर्सेज से हमें पता चला है कि शाहरुख प्लान टू वर्क विद अभिनव इज स्टिल अलाइव, और हमें ये भी पता चला है कि रोहित शेट्टी की फिल्म कम्प्लीशन के बाद अब शाहरुख अभिनव के अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहते हैं। वैसे रोहित की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद शाहरुख वाज अबाउट टू वर्क विद फराह फॉर हैप्पी न्यू ईयर, पर इस फिल्म पर अब तक फिलहाल कुछ भी बिल्ड अप नहीं हुआ है। So according to sources, Shahrukh is thinking to do the film with Abhinav Kashyap. Lekin agar Shahrukh Abhinav Kashyap ke saath kaam kar lete hain, to we wonder is par Salman ka kya reaction hoga? For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. Sonakshi Sinha ne Ranveer Singh ko kaha attention seeker, wo bhi Zoom ke boom par. रणवीर की किस हरकत से परेशान होकर सोनाक्षी ने ये कहा, चलिए देखते हैं। रणवीर सिंह ने सोनाक्षी सिन्हा को किया गुड बाय, और इस टाटा बाय बाय के बाद सोनाक्षी वॉज ऑल सेट रेडी फॉर द इंटरव्यू विद अस। और जब हमारी रिपोर्टर कर रही थी सोनाक्षी के साथ इंटरव्यू, तभी देखिए उस वक्त क्या हुआ। सुबह उठ के शूट पर जाना बहुत बहुत पसंद है। अटेंशन सीकर। जरा फिर से सुनिएगा, सोनाक्षी ने रणवीर को क्या कहा। अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर। जी हाँ, रणवीर सिंह को कैमरा में आकर उल्टी सीधी हरकतें करने की आदत तो है ही, और यही सेम एक्ट हमने देखा व्हेन ही इंटरप्टेड सोनाक्षी सिन्हा व्हाइल शी वाज गेटिंग इंटरव्यूड बाय अस। आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। मुझे सुबह उठ के शूट पर जाना बहुत बहुत पसंद है। अटेंशन सीकर। वेल, वी आल्सो थिंक रणवीर डिजर्व्स दिस नेम। So next time, if you see Ranveer bumping suddenly in front of your camera, do remember after all what he is. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Deepika Padukone ko aap ek baar phir se Ranveer Kapoor ke saath dekhenge. Kis film mein aapko nazar aayegi ye magical chemistry? Dekhiye hamari next report mein. दीपिका पादुकोण ने बहुत पहले जूम के बूम पर एक ख्वाहिश जताई थी। If I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. हालांकि ये जवानी है दीवानी के बाद उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी नहीं समझा। इम्तियाज अली को एक कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपको रणबीर को वापस कास्ट करें। वो कॉल हुआ या नहीं हुआ आपका अब तक? अभी तक नहीं हुआ है। करेंगी? अभी करेंगी? नहीं, मतलब वो अगर वो होना है वो हो ही जाएगा। और अब दीपिका चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश फाइनली पूरी होने जा रही है, क्योंकि पता चला है कि इम्तियाज अली खान ने फाइनली दीपिका पादुकोण को रणबीर कपूर के ऑपोजिट साइन कर लिया है।
हालांकि ऑफिशियली इस खबर पर किसी का भी वर्जन नहीं आया है, लेकिन इनसाइड सोर्सेज से पता चला है कि ये जवानी है दीवानी में दोनों की केमिस्ट्री ने इम्तियाज को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया, सो ही वांट्स टू रिक्रिएट दिस मैजिक अगेन। वैसे इस रोमांटिक फिल्म के लिए दीपिका के साथ साथ आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ का नाम भी सामने आ रहा था। खबरें थी कि इम्तियाज अली आलिया भट्ट को भी कास्ट करने की सोच रहे हैं और कैटरीना कैफ इम्तियाज को फीलर्स भेज रही हैं कि इस फिल्म में वो उन्हें कास्ट करे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह दीपिका के फाइनल होने की खबर आई है, उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि दीपिका अब बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइंस की ब्रिगेड में शामिल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। संजय दत्त आजकल यरवड़ा जेल में पेपर बैग बना रहे हैं। संजय दत्त ने 1 month जेल में कंप्लीट कर लिया है। जेल की एक एक इनसाइड अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। संजय दत्त ने पुणे यरवड़ा जेल में लगभग 1 महीना कंप्लीट कर लिया है और हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी जेल का एक एक अपडेट। संजय दत्त को जेल में पेपर बैग बनाने का काम दिया गया है। संजय दत्त जेल में सारा दिन बैठकर पेपर बैग बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। इसके अलावा संजय दत्त को कोई घर का खाना अलाउड नहीं किया गया है। उन्हें सोने के लिए मैट्रेस भी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, संजय दत्त का फैमिली वालों से मिलना भी मंथ में सिर्फ एक बार ही अलाउड है। So till now, he's met Manyata only once. बता दें कि संजय दत्त को अभी लगभग 3.5 साल और जेल में स्पेंड करने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। उदय चोपड़ा खुलेआम अपने और नरगिस से जुड़े रिलेशनशिप की बातें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कर रहे हैं। अब ये प्यार है या फिर प्रमोशन? Let's check out in this report. बॉलीवुड का एक लव अफेयर अब हो चुका है पब्लिक। उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी हैं बी टाउन के लेटेस्ट कपल और इसका पता अभिषेक बच्चन को भी चल चुका है। उदय ने नरगिस से उनके प्यार का ना सिर्फ इजहार किया है बल्कि नरगिस के बच्चे का बाप बनने की इच्छा भी जताई है। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हो रहा था ये सब। उदय के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर नरगिस कुछ समय पहले मना कर चुकी है। How true it is. I don't think it's true at all. लेकिन उम्मीद है नरगिस ने उदय के वो पोस्ट जरूर पढ़े होंगे जिनमें वो भी टैग्ड हैं। वो पोस्ट जो कहते हैं, नरगिस, did you know we are related? Your future son's father is my father's son. Okay, fine. I don't love Nargis Fakhri, but please don't tell her that or she'll kill me. ये वही पोस्ट्स हैं जो हमने नहीं उदय चोपड़ा ने लिखे हैं। उम्मीद है इसके बाद नरगिस उदय और अपने रिश्ते को लेकर कोई नया जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद शाहरुख, रोहित, दीपिका लेकर आएंगे बातों की एक्सप्रेस। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और रोहित शेट्टी तीनों चला रहे हैं अपनी बातों की एक्सप्रेस हमारे रिपोर्टर कुणाल मांडेकर के साथ। तो चलिए कुछ देर के लिए ही सही हम भी सवार हो जाते हैं इस एक्सप्रेस पर। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे क्योंकि निकल रही है चेन्नई एक्सप्रेस और इस वक्त चेन्नई एक्सप्रेस के सारी स्टार कास्ट जो है मेरे साथ हैं। शाहरुख खान, किस तरह की जर्नी है ये? होपफुली सबको बहुत अच्छी लगेगी जब ईद में आएगी इंशाल्लाह। सेलिब्रेटिव पिक्चर है, हंसी खुशी की पिक्चर है जैसे रोहित नॉर्मली बनाते हैं। एक उसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा कि एक्शन रोमांटिक कॉमेडी है सिर्फ, बट आई थिंक इट्स अ फैमिली एंटरटेनर वेयर यू विल फाइंड थिंग्स इन इट कि हर किसी को कुछ ना कुछ खुश होने का मौका मिले ईद के मौके पर। तो गाने हैं जो एक रेगुलर फिल्म होती है वैसा है, लेकिन जो विजन है जो उसका ट्रीटमेंट है वो रोहित शेट्टी का है जो मुझे लगता है हम सब सराहते हैं और अच्छा लगता है। सो एज एन एक्टर आई एम एक्चुअली वेरी ऑनर्ड टू हैव वर्क विद हिम एंड एज अ प्रोड्यूसर इट्स अ बिग बिग मूव फॉरवर्ड फॉर एक्चुअली। कहीं ना कहीं शाहरुख खान को जो है किडनैप करके आप ले जा रही हैं मैं? आपको लगता है? आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू कम विद मी समथिंग लाइक दैट, कम टू चेन्नई और द प्रोमोशन समथिंग लाइक दैट। टीसी के साथ जो हुई तुम उसका सोलो विटनेस, इसलिए तुम हमारा साथ कोम्बन गांव जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले। शाहरुख, फाइनली जो है राहुल 40 साल का हो ही गया,
बड़ा हो गया वहाँ. आई थिंक जो राइटर्स हैं और रोहित हैं, यू नीड गट्स टू स्टार्ट अ फिल्म लाइक दैट एंड से स्टफ विच इज़ ट्रू और इवन लिटिल लेस देन ट्रू. बट आई थिंक जो फिल्म का कॉन्सेप्ट यही था कि एक लड़का है जो बहुत प्रोटेक्टेड है, तो जो ज़िंदगी के अंदर हम मज़ा करते हैं या कॉलेज के दिन होते हैं, वट एवर, ही इज़ मिस्ड ऑल दैट क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लाइफ लीड की है उसने. तो जब उसकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आता है, तो हमारी कहानी का मतलब ही वो है कि अमूमन आम तौर पे लोगों की उम्र 40 साल की उम्र तक लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ जाता है. आप शायद से पहले ऐसे एक्टर होंगे जो इंडियन सिनेमा पर अपनी नियर अबाउट रियल एज बता रहा है. अब दीपिका अपनी एज छुपाए तो समझ में आता है, पर एक्टर्स अक्सर अपनी एज की छुपाते. दीपिका भी एक्टर ही है, हर साल में अपना बर्थडे. मेल एक्टर नहीं, आई डोंट थिंक सो, इट्स लाइक दिस यार. कोई फिल्म में जब डायलॉग ही नहीं है तो सोच थोड़ा कि बोलते रहो कि यार कितने आदमी थे, मैं 40 साल का हूँ, गब्बर, ऐसा थोड़ा होता है यार कि यू डोंट से इट अनलेस इट्स नेसेसरी. दीपिका, शाहरुख खान के साथ आपने पहली फिल्म जो थी आपकी की थी और अब जो की है, कितना बदलाव इनमें आ चुका है तब से लेकर अब तक, क्या कहेंगे? ही इज़ द सेम, ही इज़ एज पोजेसिव, एज प्रोटेक्टिव, एज केयरिंग, लविंग, पेशेंट, वेरी वेरी पेशेंट. And always, I mean, he's always been extremely supportive. He's someone who's, you know, praise I take seriously. He's someone whose criticism I take very seriously. Cameraman Harishankar Pandey ke saath Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News mein hum lene ja rahe hain ek chhota sa break. Lekin aap kahin mat jaiye kyunki break ke baad hum aapko dikhayenge all the latest pictures from P-Town. में अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन. एंजॉय. वी कॉप देम, वी क्लिक देम, एंड वी ब्रिंग ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन फॉर यू. सो हियर वी गो. शुरुआत बॉलीवुड के सबसे अट्रैक्टिव फर्स्ट लुक पोस्टर से. ये है सुशांत सिंह और परिणीति चोपड़ा की लेटेस्ट फिल्म शुद्ध देसी रोमांस का पोस्टर. दिस पोस्टर इज इंडीड वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं डस्की ब्यूटी बिपाशा बासु इन एन इंडियन अवतार. बिपाशा का ये लेटेस्ट फोटोशूट है फॉर एन इंडियन ब्रांड, जिसमें डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में बिपाशा लग रही है इंडीड वेरी ब्यूटिफुल. हैव अ लुक. मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं सोनम कपूर और धनुष की पिक्चर, वो भी जयपुर में. देखें तो सही इस ब्यूटीफुल सीनरी के सामने कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों कोस्टार्स. मूविंग ऑन, आपके लिए हम चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशन से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग पिक्चर लेकर आए हैं. ये देखिए, रोहित शेट्टी एंड दीपिका पादुकोण दोनों ही शाहरुख को कर रहे हैं किस. और अब देखिए माधुरी दीक्षित की लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें माधुरी अपने हस्बैंड और अपने दोनों क्यूट से बच्चों के साथ हैं. हैव अ लुक. और अब हम आपको दिखाते हैं माधुरी के ही डांस रियलिटी शो में पहुंचे रणवीर सिंह स्टेज में उनके साथ कैसे कर रहे हैं मस्ती. हैव अ लुक. एंड नाउ हैव अ ग्लिम्स ऑन द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ जैकलीन फर्नांडिस, जिसमें जैकलीन कोलंबो के एक ज्वेलरी स्टोर को लॉन्च करने आई है. वेल, इस इवेंट में जैकलीन के इयररिंग्स ने हमें काफी इंप्रेस किया. And now, we have a blast from the past for you. Ye hai Kareena Kapoor, Salman Khan and Karishma during their young days. Well, aaj Bollywood in Pictures mein itna hi. Lekin agar aap nahi miss karna chahte Bollywood ki koi bhi latest picture, then do tune in every day at 7 PM and 10 PM. Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.